हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए जो हमें आज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देख लेते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्य के नीति निर्देशक। देखिए, जो डीपीएसपी है वो हमारे संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में जो है जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है आपके डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है संविधान में। ठीक है, जो संविधान में ये जो डीपीएसपी जोड़ा गया है वो जो है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से जो है डीपीएसपी लिया गया है। और जो एक ग्रैनविल ऑस्टिन है, ये बहुत बड़े विधि वेता है। ठीक है, उन्होंने जो है डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ये याद रखेगा कि किसने जो है डीपीएसपी को संविधान की मूल आत्मा कहा है, तो कौन है वो? ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, अब देखिए जो बी एन राव है, ठीक है, बी एन राव, इन्हीं के सलाह पे, बी एन राव की सलाह पे ही जो है आपके डीपीएसपी को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, और जो डीपीएसपी है वो गैर निर्वाचित है। गैर निर्वाचित का मतलब यहाँ पे ये है कि न्यायालय जो है फोर्सफुली राज्य से जो है डीपीएसपी को लागू नहीं करवा सकती है। ठीक है, ये इसको लागू करना नहीं करना, इसके लिए जो है राज्य या केंद्र या जो भी स्थानीय शासन है वो जो है बाध्य नहीं है। ठीक है, लेकिन लागू करने का दायित्व जो है आपके राज्य सरकार पे है, न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, या न्यायालय जो है राज्य से फोर्सफुली नहीं करवा सकती, या फिर राज्य जो है बाध्य नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए, जो डीपीएसपी है तो डीपीएसपी को कुछ उद्देश्य से बनाया होगा, तो अब देखते हैं कि किस उद्देश्य से जो है डीपीएसपी को संविधान में शामिल किया गया था। तो इसके मेन दो उद्देश्य थे इसके डीपीएसपी के, कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हो सके, स्थापना हो सके। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, मतलब हर लोगों को जो है का कल्याण हो पाए, राज्य में सारे लोगों का कल्याण हो पाए, ये इसका मेन उद्देश्य था। साथ ही जो जनता है, भारत की जो जनता है, राज्य की जो जनता है, उसको जो है सामाजिक हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, मतलब जनता के लिए जो है सामाजिक हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी जो है डीपीएसपी का एक मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, जनता को आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना, मतलब उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई भी, मतलब इस तरह से उनको भेदभाव ना हो। ठीक है, उनको समान न्याय मिल पाए। ठीक है, ये भी जो है डीपीएसपी का एक उद्देश्य था। ठीक है, देखिए जो डीपीएसपी है वो तीन कारकों से प्रभावित है। एक तो उसमें समाजवादी प्रभाव भी दिखता है, गांधीवादी प्रभाव, विचारधाराओं का प्रभाव भी दिखता है, और उदारवादी विचारधाराओं का जो भी प्रभाव जो है आपके, तीनों प्रभाव जो है आपके किसमें देखने को मिलते हैं? डीपीएसपी में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो है डीपीएसपी को प्रभावित करता है, जो हम आर्टिकल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कि आपका एक वाद था कि केशवानंद वर्सेस केरल राज्य, ठीक है, जो मूल अधिकार है और मौलिक अधिकार है और डीपीएसपी है, उनके बीच क्या हो रहा था? टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। एक तरफ जो मूल मौलिक अधिकार को न्यायोचित कहा गया, ठीक है, वहीं डीपीएसपी को गैर न्यायोचित कहा गया, लेकिन डीपीएसपी जो है उसको लागू करने के लिए राज्य में जो है नैतिक बाध्यता हो गई, मतलब न्यायालय तो उसको जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता, लेकिन नैतिक रूप से जो है राज्य को इसको लागू करवाना था, तो एक तरफ से उनपे बंधन सा आ गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में बहुत से टकराव उत्पन्न होने लगे। तो इसी के चलते जो है न्यायालय ने ये सुझाव दिया कि अगर मौलिक अधिकार है, ठीक है, अगर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच अगर कोई टकराव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है डीपीएसपी से उसको ऊंचा दर्जा मिलेगा, मतलब मौलिक अधिकार जो है मान्य होगा। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच कोई टकराव हो रहा है तो मूल अधिकार जो है मान्य होगा और ऊंचा दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, ये था आपका केशवानंद वर्सेस केरल राज्य। ठीक है, क्या था? केशवानंद वर्सेस केरल राज्य में। आगे देखते हैं 42वां संविधान संशोधन आया 1976 में। ठीक है, तो 1976 में जो डीपीएसपी
डीपीएसपी को क्या कहा गया, मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ बताया गया। ये जो है सारे डीपीएसपी के लिए नहीं है, डीपीएसपी 39 है, अभी देखेंगे हम आर्टिकल 39 के, ठीक है, बी है और सी है, मतलब जिसमें जो है लोगों को भौतिक संसाधन है उनको जो है लोगों तक जो है उनको समान रूप से वितरण करना था, ठीक है। तो इसमें जो है समान लोगों को समान चीजें पहुंच पाए, इसलिए इसमें यह निर्णय दिया गया कि डीपीएसपी जो है मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ होगा, ठीक है। ये था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। आगे आया आपका मिनर्वा मिल्कवाद, ठीक है, मिनर्वा मिल्कवाद 1980 में कि न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। तो मिनर्वा मिल्कवाद में जो है न्यायपालिका ने कहा कि जो डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी जो है मूल डीपीएसपी और मूल अधिकार जो है दोनों जो है एक दूसरे के संतुलन बनाए रखेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर डीपीएसपी या मूल अधिकार को एक दूसरे के ऊपर लादने की जरूरत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे मान्य है और इक्वल महत्व रखते हैं, ठीक है। ये किसमें कहा, मिनर्वा मिल्कवाद 1988 में। तीनों को एक बार देख लीजिए, केशवानंद में कहा कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से ऊंचा होगा, 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा, डीपीएसपी जो है मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ होगा, लेकिन याद रखिए सिर्फ 39 आर्टिकल 39 के लिए कहा गया, ठीक है। और फिर मिनर्वा मिल्कवाद में कहा गया कि डीपीएसपी और मूल अधिकार दोनों के संतुलन की बात करी गई है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि एक एक करके जो डीपीएसपी है उनके जो है आर्टिकल को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा को बताया गया है। राज्य की परिभाषा वही दी गई है जो मूल अधिकार में दी गई है, मतलब कि केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनके विधायिका है, कार्य मतलब सांसद है और कार्यपालिका अंग है, ठीक है, और जो सभी जो लोकल अथॉरिटी है इन सबको मिला के जो है राज्य बनेगा, ठीक है। केंद्र, राज्य, उनके संसद, कार्यपालिका, लोकल अथॉरिटी, इन सबको मिला के जो है राज्य बनेगा, यही जो है आर्टिकल 36 में कहा गया है, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि जो डीपीएसपी है, ठीक है, वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि न्यायालय का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है। किंतु ये भी कहा गया कि लागू फोर्स नहीं कर सकता है या लागू नहीं करवा सकता है न्यायालय, ठीक है। लेकिन ये कहा गया, न्यायालय ने कहा कि जब नीति बनाएंगे, कोई भी राज्य के लिए कोई लॉ बनाना है, कोई कानून बनाना है, ठीक है, उस वक्त आपको जो है इन तत्वों को जो डीपीएसपी में दिए गए हैं उन तत्वों को आपका ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इनको आप ध्यान में रख के राज्य के लिए आप जो है नीति या लॉ बनाएंगे, ये जो है राज्य के लिए नैतिक काम है, डीपीएसपी जो है राज्य का एक नैतिक काम है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल जो है 38 में क्या कहा गया, ठीक है, 38 में कहा गया कि जो लोक कल्याण की वृद्धि है, मतलब लोगों के लिए जो है आप जो है सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय द्वारा जो है उनको जो है सामाजिक व्यवस्था, जो भी सोसाइटी में जो भी व्यवस्था होगी, जैसे आय अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता या अन्य जो भी सुविधा होगी, ठीक है, उनको जो है आप प्रदान करेंगे, ठीक है, किस तरीके से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा जो है आप उनको ये सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, उनमें कोई भी मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, समान नागरिकों को समान चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 38 में, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि आर्टिकल 39 में जो है क्या कहा गया है, ठीक है, देखते हैं आर्टिकल 39, इसको चार भाग में बांटा गया है जो आपके 39 है, ठीक है। इसी में कहा गया था कि आपको आर्टिकल 42 क्या था, 40 संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन 1976 में कि जो डीपीएसपी है वो मौलिक अधिकार से ऊंचा होगा, ठीक है। आप देखिए क्यों ऊंचा होगा कि देखिए इसमें कहा गया है आपके कि सभी नागरिकों को जीविका, राज्य जब कानून बनाएगी, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि राज्य सरकार का कि सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन प्रदान करेगी, ठीक है।
इसीलिए उसने जो है नरेगा लागू किया। क्या किया? नरेगा लागू किया कि सबको जो है रोजगार मिल सके। ठीक है, यही तो है ना कि सबको जो है उनके जीवन यापन के लिए, उनके जीवन गुजारने के लिए जो है राज्य जो है उनको पर्याप्त जो है साधन जो है जो भी उनके जीवन के लिए जीने के लिए जो साधन हो सकता है वो सारा साधन जो है राज्य उपलब्ध कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके भौतिक संसाधनों का समान वितरण, मतलब कि जो भी राज्य में जितने भी भौतिक संसाधन है ठीक है उनको जो है सारे लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, एकाधिकार जो है किसी पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जो है 1951 में किया कि अमीरों को या गरीबों के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, जितने भी जमीन है या कुछ भी है जो भौतिक संसाधन है राज्य के ठीक है वो सारे लोगों तक जो है पहुंच पाए, ठीक है समान वितरण हो पाए लोगों में। ठीक है, आगे आपका दिया गया कि धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रखना, मतलब कि जो धन धन है या उस जो उत्पादन है प्रोडक्शन है ठीक है उसमें जो साधन जो भी उसके साधन है उसमें संकेंद्रण को रोकना, मतलब कि क्या कि जो जैसे कि इसी के चलते जो है इससे समझ लेते हैं, इसी के चलते जो है 1964 में जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब शहरों में बैंक थे ठीक है तो शहरों में जो रहने वाले लोग थे उनको तो आसानी से धन जब उनको जरूरत होती थी वो ले लेते थे। ठीक है, उनको जब भी किसी चीज की जरूरत हो प्रोडक्शन जब उनको कोई उत्पादन तो वो आसानी से सारी चीजें ले लेते थे, लेकिन गाँव में इसकी पहुंच नहीं थी। ठीक है, गाँव में जो है इसकी पहुंच नहीं थी, इसी के चलते इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है आपके क्या किया गया, ग्रामीण बैंकों की स्थापना करी गई। ठीक है, ताकि गाँव में भी समान धन और जो भी उत्पादन की चीजें हैं साधन है वो सारा चीज जो है गाँव में भी पहुंच पाए। इस यही है कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण जो है रोकना। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है आपके समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब ये कि जैसे कि बोले ना कि महिलाएं काम करती है तो महिलाओं को उनके कार्य के हिसाब से जो है नहीं मिल पाता है काम। ठीक है, तो इसीलिए जो है महिलाओं को भी या जितने लोग हैं ठीक है उनको जो जैसा काम लोग कर रहे हैं ठीक है तो उनको जो है समान कार्य के लिए, चाहे पुरुष वही काम कर रहा है महिला वही काम कर रही है तो जो दोनों जो काम कर रहे हैं तो उनको जितना जितना रोजगार जितना पैसा जो है आपको पुरुषों को मिल रहा है उतना ही जो है आपके महिलाओं को मिलना चाहिए, मतलब इक्वल कार्य के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात जो है आपके 39D में कही गई है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि 39 जो ए है वो क्या कहता है कि देखिए समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, तो देखिए जो गरीब है ठीक है गरीब है उनको जो है इक्वली जो है मतलब कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है, उनको सरकारी वकील प्रदान करवाना निःशुल्क, मतलब उनको जो है कानूनी सलाह देना, ये जो है आपके 39A में कहा गया है। ठीक है, कि गरीबों को भी जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको जो है राज्य जो है निशुल्क विधिक सहायता और लॉयर जो है अफोर्ड करवाएगी। ठीक है, प्रदान करवाएगी, ये जो है आपके 39A में कहा गया है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 40, ये जो है आपके पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है जो ग्रामीण स्तर है ना ग्रामीण ग्राम पंचायतों का गठन करवाना। ठीक है, ताकि उनको आवश्यक शक्ति जैसे कि उनको स्वशासन इकाई के रूप में उसको कार्य करने की जो शक्ति प्रदान हो सके। ठीक है, यही है इसमें आर्टिकल 40 में पंचायती राज। ठीक है, हम जब इसको आगे पढ़ेंगे त्रिस्तरीय व्यवस्था तो और डिटेल से इसको करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि 41 में क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में जैसे कि कुछ दशाओं में शिक्षा या लोक सहायता उपलब्ध कराना, मतलब कि जैसे कोई हैंडीकैप्ड है ठीक है बुजुर्ग है ठीक है उनको जा नहीं सकता है बुढ़ापा में बीमारी है तो उनको जो है लोक सहायता पाने का, ठीक है मतलब कि उनको गवर्नमेंट से हेल्प लेने का जो है राइट है। ठीक है, तो यही है कि उनको जो है लोक सहायता जो है राज्य उपलब्ध कराएगी। इसी के चलते जैसे वृद्धों के लिए पेंशन व्यवस्था शुरू की गई है, हैंडीकैप्ड को जो है विकलांग होते हैं उनको भी हर मंथ जो है पेंशन दिया जाता है,
उनके शिक्षा का ध्यान रखा जाता है, उनको छूट दी जाती है। तो यही चीज है कि राज्य जो है कुछ दशाओं में मतलब निशक्त है या वृद्ध है, या वो अपने अगर वो खुद के काम करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो जो है गवर्नमेंट जो है उसको लोक सहायता जो है अपनी तरफ से जो है सहायता उसको उपलब्ध कराएगी, चाहे काम को लेकर हो चाहे शिक्षा को लेकर हो, ठीक है, तो किसी भी तरीके से उसको जो है ये चीजें मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 42, काम की न्यायचित और मानवीय दशा। मतलब राज्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को रोजगार दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, तो उसमें न्यायपूर्ण ढंग से वो काम मिले और उसमें जो है मानवीय दशा को भी ध्यान, कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर पाए, ठीक है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, तो वो भी जो है मानवीय दशा का होना, मतलब राज्य अगर किसी को काम दे रही तो वो न्यायपूर्ण हो और मानवीय हो, ठीक है, तो यही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कर्मकारों को जीवन निर्वाह, मतलब जो वर्कर हैं, ठीक है, उनको राज्य जो है उनके इतना मतलब मजदूरी दे कि वो अपना जीवन यापन कर पाए, ठीक है, इतना मतलब इतना भी कम ना दे, ठीक है, अगर 40 रुपए क्या उसका पेट भर पाएगा, वो अपना जीवन यापन कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो उसको इतना मजदूरी दे कि वो अपने जीवन को चला पाए, ठीक है, यही है आपके आर्टिकल 43 में। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। ये जो है 42 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो इसमें ये कहा गया कि जो उद्योग है अगर उसका कोई मैनेजमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें ये देखना चाहिए कि मजदूरों की भी उसमें भागीदारी हो। वो अगर ऐसा मैनेज ना कर दे कि अगर कोई वहां के मजदूर है, अगर वो काम कर रहे हैं उनको कोई हानि हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से वो मैनेज ना कर पाए, तो राज्य का ये फर्ज होगा कि वो जो भी उद्योग लगा रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं, अगर उसका मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है, तो उसमें जो है वहां जो काम करने वाले मजदूर है, ठीक है, उनकी भी भागीदारी को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं समान नागरिक संहिता, मतलब कि हर लोगों को, जितने भी नागरिक हैं भारत में, ठीक है, उनको समान रूप से कानूनी सहायता मिल पाए, ठीक है, समान नागरिक संहिता का मतलब यही है कि उनको समान रूप से उनके सिविल राइट या कानूनी सहायता जो है प्रदान करवाना, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं आर्टिकल 45। यहाँ पे थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिए, जो समान नागरिक संहिता है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए समान कानून हो, राज्य को जो है सबके लिए समान नियम और कानून बनाने चाहिए, ये मतलब होता है आपका समान नागरिक संहिता का, ठीक है। क्या होता है कि राज्य को सारे लोगों के लिए समान नियम और कानून बनाने चाहिए, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आपकी हिंदू और मुस्लिम में दो अलग अलग डिवोर्स के लिए प्रोसेस होता था, जैसे हिंदू में होते थे कि मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जो है डिवोर्स लिया जा सकता था, लेकिन मुस्लिम में क्या होता कि मुस्लिम महिलाओं के साथ की 3 बार तलाक बोल दिया और तलाक हो जाता था, तो इसी को फिर सुधारने के लिए जो गवर्नमेंट है वो जो है 3 तलाक बिल लेके आए, ताकि जो मुस्लिम में भी जो है एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ जो है तलाक मिल पाए, ठीक है, ये है आपका समान नागरिक संहिता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं, ठीक है, उनको राज्य जो है क्या कराएगी, निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगी। ये जो है आपके 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, और इसी में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है गवर्नमेंट जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगी, ठीक है। आर्टिकल 46 देख लेते हैं, इसमें है कि गवर्नमेंट जो है, जो SC है, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, जो पिछड़े लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, ठीक है, उनको जो है शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय जो है प्रदान कराएगी, कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। आर्टिकल 47 में कहा गया है मद्य निषेध, जैसे कि कोई भी ऐसी नशीली दवाएं होती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक है, उनको जो है गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार जो है उस पर क्या करेगी, प्रतिबंध लगाएगी, ठीक है। यहाँ पे राज्य, राज्य का मतलब यानी कि प्रॉपर राज्य, मतलब केंद्र को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है।
तो यही है 47 में कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं पर जो है राज्य प्रतिबंध लगवाएगी। ठीक है, जैसे कि गुजरात में आपके शराब बंद करा दिया गया है, बिहार में करवा दिया गया है। ठीक है, तो यही जो है आपके आर्टिकल 46 के अंदर आता है, सॉरी 47 के अंदर। आर्टिकल 48 देखते हैं, जो कृषि है और पशुपालन है उनका जो है आधुनिक ढंग से विकास करना, मतलब उनमें मॉडर्नाइजेशन करना। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन जैसे कि इसी के चलते जो है अभी गवर्नमेंट जो है आपको कृषि के सोलर पंप जो है वितरित कर रही है, बांट रही है। ठीक है, कृषि के विभिन्न जो ऐसे यंत्र हैं, संयंत्र हैं, उनमें जो है उन सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, तो यही है कि जो आर्टिकल 48 में गवर्नमेंट जो है कृषि और पशुपालन के लिए जो है उसका वैज्ञानिक तरीके से विकास करेगी। ठीक है, आर्टिकल 48 ए में देखते हैं कि पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। ठीक है, गवर्नमेंट राज्य का ये फर्ज, ये भी जो है आपके याद रखेगा 42 संविधान संशोधन में जोड़ा गया है कि आपका पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। ठीक है, राज्य ऐसा कोई भी कानून या कोई भी नियम ऐसा नहीं बनाएगी जिससे जो है पर्यावरण को जो है हानि पहुंचे। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि जो जितने भी प्राचीन या राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, ठीक है, उन या स्थान है, उनको जो है राज्य सरकार जो है संरक्षित रखेगी, उनका संरक्षण करेगी। आगे जो राज्य लोक सेवाओं में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्ति है उनको जो है पृथक रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 51 में, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में जो है वृद्धि करने के लिए जो है राज्य सरकार आगे आएगी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में वृद्धि करेगी, मतलब राष्ट्रों के बीच जो है न्यायपूर्ण या सम्मानपूर्ण जो है संबंध बनाएगी, कौन? राज्य सरकार। ठीक है, तो चलिए यही वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपके मौलिक कर्तव्य को देखेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा।